आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। हर खबर पर पहली नजर। खबर औरैया जिले से है। यहाँ अमीर बनने की चाहत में अपराध की दुनिया में उतरे लुटेरे गिरोह के 3 सदस्यों ने सोचा भी ना होगा कि देश की नवरत्न कंपनी गेल प्लांट से प्लास्टिक लादकर जा रहे ट्रक को लूटने में जीपीएस टेक्नोलॉजी उनके लिए आफत साबित होगी और पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। मामला फफूंद थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 9 जनवरी गेल प्लांट से प्लास्टिक का दाना लादकर कलकत्ता के सिलवास जा रहे ट्रक को इन बदमाशों ने कार से ओवरटेक करके लूट लिया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जब लोकेशन ट्रेस की तो ट्रक में लगा जीपीएस सिस्टम पुलिस के लिए न सिर्फ मददगार साबित हुआ बल्कि फफूंद के जुआ पुल के पास घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अन्य लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने अन्य लूट की घटनाओं को अंजाम देना भी स्वीकार है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए ट्रक अलावा एक बोलेरो और यूटिलिटी कार भी चोरी की बरामद की है। एसपी संजीव त्यागी का कहना है कि अपराध के सहारे ये सभी अपनी जीविका चला रहे थे और ये इटावा के रहने वाले हैं। औरैया से जाहिर अख्तर की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। 9 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे एक फोर व्हीलर गाड़ी ने करही रोड मुरादगंज तिराहे के पास जाकर आता प्लांट से प्लास्टिक का दाना भरे हुए एक कंटेनर का रास्ता रोका और उस कंटेनर के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को धक्का मार के बाहर फेंक दिया और उसको अपने साथ लेके ये भाग गए। इनके कुछ साथी साथ आई हुई गाड़ी से भी भाग गए। थाना फफूंद की पुलिस टीम ने इस घटना का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को पकड़ लिया है, जिनका नाम है विमल कुमार, अतेंद्र यादव और आसिफ। ये तीनों इटावा के रहने वाले हैं, आपराधिक इतिहास भी पुराना इनका है। इनके पास से कंटेनर प्लास्टिक का दाना भरा हुआ, सारे बैग, 2 अदद तमंचा कारतूस और 1 चोरी की बुलेरो जो इन्होंने पहले चोरी करी थी, सबको बरामद कर लिया गया है। इनको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। पुलिस टीम के सराहनीय काम के लिए 2500 का पुरस्कार दिया। सर, ये जो घटना को अंजाम दिया है, क्या इसके पीछे कोई वजह भी रही है? इन लोगों ने जो घटना की है, जैसा पाया लिखा गया कि बड़ा बनना चाहते थे इन लोगों का, जो है इन्होंने क्राइम को अपना रोजगार बना रखा है। पहले भी ये चोरी में और लूट में जेल जा चुके हैं और ये कंटेनर को बेचकर जो पैसा आता है उससे फिर अपना खर्चा चलाते हैं। इसी तरह से लोग जो है अपना काम चला रहे हैं। ये पकड़े गए तो जेल जाएंगे। सर, ग्रो में कितने लोग थे? ये कुल 6 लोग हैं, जिनमें से 3 लोग अरेस्ट हो गए हैं और इनके 3 साथी अभी फरार हैं। इनका सर मास्टरमाइंड कौन है? जो पकड़ा गया है उसका नाम है विमल कुमार, ये इनका मास्टरमाइंड। सर, मैं आया था, मेरे साथ 6 थे, मैं लोग आ रहे थे सर खाते पीते हुए, सर से फोन जाना हो रहा था, कटकट हो रही मिली, हम लोगों ने प्लानिंग बनाई अटेंडर और उसे उठा के तैयारी कर ली, उसे उठा के चले आए हम। उसमें सर GPR सिस्टम लगा हुआ था, आगे चल के पुलिस में 42 हो गया सर, 42 के बाद हम लोग पकड़े गए के पास। एक दिन ट्रक लूटने के बाद क्या करते तुम लोग इसको? ट्रक लूटने के बाद सर किसी लेने थे 50,000 या 1,00,000। कितने लोग थे तुम लोग? 6 सर। कितने पकड़े गए? 3। आगे कहाँ है? फरार।